नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ राजेश कुमार। आज मैं घर पर फारिग कर रहा था, मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं गांव का एक ब्लॉग बना लूँ। ये विनोद भाई के गांव के तरफ में जाते हुए और कुछ यहाँ का नज़ारा भी वीडियो भी बना देख सकते हैं आप। और विनोद के भाई के गांव की तरफ जाते हुए बहुत ही अच्छा यहाँ का माहौल था, सुबह का टाइम था और मैंने ये वीडियो बनाना शुरू कर दिया। फाइनली भाई विनोद भाई के जो गांव का दुकान है उधर मैं पहुँच चुका हूँ, दुकान तो फिलहाल बंद पड़ा हुआ है। तो फाइनली दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ गुरुजी भाई के दुकान पर जो अभी बंद पड़ा हुआ है, और यहाँ पर मुझे कुछ दोस्त भी मिले हैं, उससे भी मैं आपको बात करवाता हूँ। ये गाँव है हेमराज कोहली का, मैं आपको गाँव भी दिखाऊँगा जो पीछे। आप यहाँ के रहने वाले हो, क्या करते हो का? क्या काम करते हो कराची में? कितनी सैलरी आपकी? 16,000 है। कब आए हो घर पर? कल ही घर पर आए हो। चलो सही है भाई। ये देवन कुमार भाई, आप यहीं रहते हो इसी गांव में? हाँ भाई, आपका क्या नाम है? मेरा यही काम है कि बच्चों को लेके घूमना फिरना। ये देखो टकला है। ये आपका बेटा है? जी हाँ, ये मेरा बच्चा है। क्या नाम है इसका? जय कुमार। जय कुमार, जी हाँ। हाँ भाई, तू क्या बोल रहा है गंजे? हाँ बोल, कुछ बोल। दे भाई, ये गंजा तो अभी बोल ही नहीं रहा। आप यहीं रहते हो विनोद भाई? जी भाई, मैं यहीं रहता हूँ। चलो सही है, हम आपको गांव भी दिखाएंगे, गांव के अंदर जाएंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं विनोद भाई का गांव है और सामने ही विनोद भाई का घर है। फिलहाल तो घर पर कोई नहीं है क्योंकि सारे सुबह के टाइम खेतों में होते हैं, यहाँ पर सारे खेतों में मजदूरी करते हैं। और ये आप देख सकते हैं गांव का कुछ ऐसे इस तरीके के नज़ारा है, और मैं आपको और भी घर दिखाऊँगा गाँव के। ये आप देख सकते हैं। हाँ देवन भाई, क्या लेके आए? याम याम। अभी अभी ताज़े लेके आए हो? कच्चे हैं? कच्चे हैं, लेके आए। दोस्तों ये देख सकते हैं, ये गांव का माहौल जो इधर, ये सिर्फ डेढ़ बकरियां बंधी हुई। ये देख सकते हैं ये घर बिल्कुल ही खाली पड़ा हुआ, जो अभी सारे काम पर चलेंगे, जो कोई खेतों में कोई शहर में काम करता है, जो भी जहाँ काम करता है सारे जाते हैं। ये इन लोगों की भेड़ बकरियाँ जो इसके घर के सामने बंधी हुई, और ये गांव के बच्चे। इसकी छोटी बहन है, अभी यहाँ के जो भी हैं सारे काम पर जा चुके हैं, गाँव बिल्कुल ही खाली पड़ा हुआ है। कुछ बच्चे हैं जो घर पर बैठे हुए हैं, और ये इस गांव की टंकी जो अभी तो फिलहाल ख़राब पड़ी हुई है। इधर ही प्लेटें हैं और ऊपर टंकी भी लगी है, मगर यहाँ मोटर नहीं है, ये अभी ख़राब हो चुकी है। भाई हम सुबह जो आए थे भुरजी भाई के दुकान पर, वो पहले बंद पड़ा था, वही खुल चुका है। ये भुरजी भाई है, यहाँ पर ये काम करते हैं, कपड़े सीते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये पहली रेंज की दुकान है, फिलहाल अभी बंद हो चुका है। हाँ भुरजी भाई, कैसे काम चलता है आपका? तो आपको ये सिर्फ दुकान ही दिखा देते हैं। भुरजी भाई यहाँ पर काम करते हैं, अभी जो इनके शागिर्द वो तो नहीं है, ये मशीनें पड़ी हैं भाई की।